मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग परेशान रहते हैं हकलाने तुतलाने की वजह को लेकर के, यानी कि आपको साफ बोलने में काफ़ी दिक्कत होती है, कोई भी बात आप फटाक से नहीं बोल पाते हैं, काफ़ी सारी प्रैक्टिस करने के बाद में आप वो बात टाइम से बोल पाते हैं। लेकिन ऐसा हर टाइम तो नहीं चलने वाला है काम, लेकिन आपको क्या करना है, कई जगह ऐसा होता है कि हमें फटाफट से बोलना पड़ता है, तो ऐसे में हमें हकलाने तुतलाने की अगर समस्या है तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर देती है। तो आज हम आपको बताएंगे हकलाने तुतलाने की समस्या को जड़ से ख़त्म करने का आसान सा घरेलू तरीका, जिसका इस्तेमाल करने से आप अपने हकलाना तुतलाना ख़त्म कर सकते हैं और फटाफट से बोल सकते हैं एकदम साफ बिल्कुल क्लियर, ताकि सामने वाले की समझ में आ जाए। तो आपको क्या करना है, बादाम लेने हैं। कितने बादाम लेने हैं वो मैं आपको बताऊंगी, वीडियो पे बने रहिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इसके साथ में हमें लेना है ये आप देख रहे हैं, ये है मक्खन, जो आप दही फिराते हैं, मलाई खट्टी करके दही फिराते हैं, उसमें मट्ठा अलग रह जाता है और ये मक्खन जो है अलग रह जाता है जिसमें हम घी बनाते हैं। तो वो मक्खन आपको ले लेना है। कितना लेना है आपको रोज़ का, मैं आपको बताऊंगी कि आपको एक चम्मच मक्खन लेना है और एक चम्मच मक्खन के साथ में आपको 5 या 6 बादाम लेने हैं, और इस तरीके से आपको इन दोनों को अच्छे से चबा चबा के खाना है रोज़ाना सुबह सुबह खाली पेट। आप रोज़ाना सुबह खाली पेट इसका सेवन करना स्टार्ट कीजिए, आप देखेंगे 10 से 15 दिन में ही आपके हकलाने तुतलाने की जो समस्या है वो धीरे धीरे करके जड़ से चली जाएगी हमेशा के लिए, क्योंकि ये देसी नुस्खा जो है बहुत अच्छे से वर्क करता है और कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा आपकी हेल्थ को। तो आप बेझिझक होके, बेफिक्र होके आप इस नुस्खे का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके आसपास में कोई हकलाता तुतलाता है तो उस तक भी हमारे इस वीडियो को पहुँचाइए, उसको भी बताइए, ताकि वो भी इस परेशानी से छुटकारा पा सके।